नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को जानकारी बढ़ाने के लिए एक और सुंदर औषधि लेकर आया हूं। इसको आप बड़ा सा पेड़ देख रहे हो, यह तेंदू है। यह तेंदू दो प्रकार की होती है। जो तेंदू चीकू के समान जिसको खाया जाता है उसको तेंदू कहते हैं, और एक और जो तेंदू होती है उसको माकड़ तेंदू कहते हैं। लेकिन जो पेड़ का जो छाल होता है अलग होता है, लेकिन फल और पत्ते एक ही समान होते हैं तेंदू के समान, इसलिए उसको माकड़ तेंदू कहते हैं। आयुर्वेद में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण वनांचल क्षेत्र में उस माकड़ तेंदू का आयुर्वेद में खूब प्रयोग होता है, और यह जो देख रहे हो तेंदू का भी प्रयोग होता है। यह समस्त भारत देश में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह मध्यम आकार का सघन वृक्ष होता है। अब इसकी जो पत्ते होते हैं बीड़ी बनाने के लिए काम आता है, और इसको हरा सोना भी कहते हैं। और इसको तोड़ने के लिए कम से कम 150-200 रुपये रोजी दिया जाता है एक सैकड़ा का, और इसका लकड़ी का फर्नीचर बनाया भी जाता है, और कई आयुर्वेद के कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यह लगभग इसकी जो छाल होती है वह कृष्ण वर्णक होती है। इसमें एक प्रकार का इतना काला कोयला से भी ज़्यादा काला गोंद निकलता है। इसकी गोंद में अगर इसको मिला जाए भेड़ का घी को मिला करके दोनों को आंखों पे अंजन किया जाए, जिसको दिन को भी नहीं दिखाई देता हो, रात को नहीं दिखाई देता हो, तो 2-3 दिन में आंख दिखाई देता है। ये आचार्यजनक प्रयोग है। यह मेरे गुरु का बताया प्रयोग है, मैंने आंखों देखा, मेरा प्रयोग है, सत्य प्रयोग है। और इसमें हल्का भूरा रंग का ये फल होता है, और हरे रंग का, और उसमें गुदा चिकना होता है, और इसके गुदे को खाया जाता है, और 6-7-8 गुच्छों में इसके लगते हैं जो आप देख रहे हो। और इसमें कसेला भी होता है यह, और इसमें 20-स्टोस्टेरॉल आदि की प्रकार के इसमें तत्व होते हैं। यह कषाय तिक्त उष्ण लघु कपपित्तवत को सामान करने वाले होता है, घाव को रक्त को भरने वाला होता है। अब जैसे किसी का पैर हाथ पैर कट गया हो तो कच्चा तेंदू का जो रस है उसको लगाने से उस बहता रक्त रुक जाता है। और प्रमेह रोग है, मासिक धर्म में गड़बड़ी है, अतिसार जैसा रोग है, छितला प्रकोप है, उसमें भी यह तेंदू का कार्य होता है। आप देख सकते हो इतना बड़ा है, बड़ा पेड़ है। मैं वृक्ष में चढ़कर शूट किया हूँ, तो नीचे हमारे भाई साहब बैठे हैं, तो कर्फ्यू लगा है इस कारण से। फिर भी मैं जंगल जाकर बनाया, क्योंकि जंगलों में भी पुलिस लोग घूमते हैं कोरोना वायरस के कारण, कोई बाहर ना घूमे करके। तो मैं जान जोखिम में लेकर के पुलिस वालों से भी ना डर करके भी आप लोगों की सेवा के लिए, जानकारी के लिए मैं आपको एक तेंदू का वृक्ष दिखला रहा हूँ। तो चलते हैं, मैं इसकी कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग आप लोगों को बताता हूँ। आँखों में कैसे भी विकार हो गया हो, इनका फल का रस कंजन करने से नेत्र विकारों का समान होता है। मैंने ही बताया ना, इसके जो गोंद होता है काला सा बहुत दुर्लभ होता है, और इसमें भेड़ का घी मिला करके आँख मंजन करने से 2-3 दिन में जो दिन में और रात में ना दिखाई देता हो उसको दिखाई देती है। सत्य प्रूफ है, आँखों देखा है मेरा, मेरे गुरुजी का बताया हुआ है। और जिस माता बहन को संतान ना चाहिए उसको भी इसका गोंद को खिलाया जाता है, जिससे बर्थ कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर कोई भी दवा कर रहा है विज्ञान, उसको फिर ठीक नहीं कर सकता, उसके बच्चे दाने को, उस संतान उत्पन्न करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। और कान के दर्द में तेंदू, हरित की लोध और मज्जीठ और आंवला, इनका चूर्ण को शहद के साथ उसमें कैट कपित जो बोलते हैं उसके रस के साथ मिला करके छान करके 2 बूंद कान में डालने से आपके कान का जो दर्द है उसको ठीक करता है। और मुख में घाव हो गया है, मुख वरण हो गया है, तो इसका फल का रस गरारा करने से मुख के घाव ठीक होते हैं, छाला आदि का भी ठीक होता है। इसके फलों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से छाला कैसा भी छाला पड़ गया हो उसमें भी यह आराम आता है। खांसी में इसका छाल का घन सत्व को गोली बनाकर चूसने से खांसी का भी शमन करता है। और अतिसार में जिसको पतला दस्त हो रहा हो तो इसका कल गंभारी पत्र में लपेट करके फुटपाक विधि से रस निकाल करके उसमें शहद मिलाकर पीने से कैसा भी आपका अतिसार रोग हो वह फायदेमंद होता है। या भी यह चीकू के समान अत्यंत मीठा होता है और बहुत फायदेमंद होता है, शरीर को पौष्टिक करता है। लेकिन अधिक मात्रा में इसको खाया जाए तो गर्मी भी करता है, घमोरिया भी पैदा करता है, क्योंकि ये हमारा अनुभव सिद्ध है, क्योंकि हमारी दर खूब मिलता है ये।
और जैसे पथरी में इसके पके हुए फल को खाने से मूत्र मार्ग की पथरी को टूट टूट कर निकाल देते, पथरी को नाश करने की अचूक क्षमता है इसमें। हमारी माता बहनी की योनि में अगर किसी भी प्रकार की स्राव हो रहा हो, ज़्यादा रक्त स्राव हो रहा हो, तो इसके फल का क्वाथ बना करके योनि को धोने से कैसा भी आपका योनि में स्राव होता हो उसको यह ठीक कर, श्वेत प्रदन में इसका फल का रस निकाल करके पानी में मिला करके योनि के धोने से जो आपका श्वेत प्रदर है, लुकुरिया है, उसमें हमारी माता बहनों को ठीक आजमा कर देखना। सरतिया है, इसके कच्चे बीज को अगर इसी तरह से खाया जाए तो कैसा भी आपका प्रमेह रोग हो, शुक्र प्रमेह हो, धातु जाता हो या श्वेत प्रदर रक्त प्रदर हो, उसको यह ठीक करता है। इसमें किसी प्रकार संदेह करना नहीं चाहिए। और किसी को लकवा हो जाए, किसी भी भाई बहन को, तो आप क्या कीजिए, चाहे कप वात पित्त कफ प्रकृति का क्यों ना हो, स्पष्ट आवाज़ नहीं आ रहा है लकवा की वजह से, इसका जड़ का क्वाथ बना करके पीने से 2 ग्राम छाल का चूर्ण को 1 ग्राम मरीच चूर्ण मिलाकर जीभ में घिसने से जो लकवा हो गया, मुंह का अर्धिक रोग हो गया है, उसमें अत्यंत लामबान काम करती है, इसका प्रयोग कर सकते हो आप। और जैसे बुखार में इसका छाल का क्वाथ बनाकर शहद मिलाकर पीने से मलेरिया बुखार को भी ठीक करता है। हिचकी में तेंदू का फूल और तेंदू की लकड़ी को घिस करके आप इसको सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन का निवारण होता है। हिचकी में आप जामुन तेंदू के फल के 3 ग्राम चूर्ण को शहद या घी से मिलाकर बच्चों को खिलाने से हिचकी जैसे रोग का भी निवारण करती है यह वनौषधि। और कैसे भी आपके शरीर में आग से जल गया हो तो इसका छाल का क्वाथ बना करके उसमें तिल मिला करके जिस जगह जल गया हो, जलन कर रहा हो, आग से घाव हो गया हो जलने के कारण, उस जगह पर लगाने से घाव को पूर्ण रूप से आराम करके उसमें जलन शक्ति को नष्ट करता है। या तुरंत जल गया हो तो आलू या तो तेंदू को पीस करके कच्चा तेंदू फल को बता या है कभी पका जब वाले चमर को हूं कभी लगाने से फफोला नहीं बदल हूं या होता घड़ी तो और नाम उस देव भला जलन को तुरंत मिटा देती है, यह चमत्कारी प्रयोग है। और कैसा भी आपका इसको जैसे तेंदू का रस और फल को पीस करके त्वचा में लेप करने से जो शरीर में मुख की जो वर्ण कांति है, वह जो झाई वाई है, उसको मिटा करके हमारी माता बहनों को एक प्रकार की चमत्कारी कांति प्रदान करती है यह औषधि। और तेंदू के फल के गूदे को खिलाने से कैसा भी अतिसार, जिसको अतिसार हो रहा हो गर्मी की वजह से, किसी भी कारण से पतला दस्त हो रहा हो, तो इसको अत्यंत लाभ होता है। इसके बीज का चूर्ण खाने से कैसा भी आपका पतला दस्त टट्टी हो रहा है, छोटे बच्चों बड़े को सबको निरापद दे सकते हो। हरिओम।